नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन टेक में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पटवारी की वैकेंसीज निकल चुकी हैं, जिसमें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने पंचायत एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और ये वे क्वेश्चन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो आपको स्वाभाविक है सफलता मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो इसका आंसर है भाग 9 में। दूसरा है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो यह है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। चौथा प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर है 75वें संशोधन। संविधान के 75वें संशोधन में, संविधान के जो 75वां संशोधन है उसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 75वां जो संशोधन हुआ था उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें संविधान को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाने के लिए पंचायती राज लाया गया। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? सातवां प्रश्न है ये। तो पंचायती राज का जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग, चूंकि ये राज्य का होता है इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ है वह 25 अप्रैल 1993। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। नौवां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब रखा गया? तो मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम 30 दिसंबर 1993 को, देखो भारत में जो है 25 अप्रैल 1993 और मध्य प्रदेश में जो है 30 दिसंबर 1993। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम पारित कब हुआ? तो 1994 में पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूर्ण रूप से पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? देखो पारित तो 1994 में हो गया था, लेकिन जो पूर्ण रूप से लागू हुआ वो 20 अगस्त 1994 को। ग्राम पंचायत के गांव के लिए जनसंख्या कितनी होना चाहिए दोस्तों? तो ग्राम पंचायत के लिए 1000 आबादी होना चाहिए गांव की, यानी मतदाताओं की संख्या 1000 होना चाहिए। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? तो ये 23,043। मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत हैं टोटल वो 23,043 हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ये तो सबको पता है दोस्तों, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। और सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो सरपंच का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी सीधे जनता उसको चुनाव करके चुनती है। जनपद पंचायत की बात करें तो जनपद पंचायत के लिए जनसंख्या 5,000 से अधिक आबादी वाला विकास खंड होना चाहिए, यानी कि 5,000 वोटर लिस्ट में नाम हो व्यक्ति के जो वोट देने का अधिकार रखते हैं। जनपद पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होना चाहिए? तो सदस्य 10 से 25 रह सकते हैं दोस्तों। देखिए जनपद पंचायत में सदस्य जो हैं 10 से 25, यानी 10 से 25 वार्ड हो सकते हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत में 10 से 20 वार्ड, यानी 20 वार्ड से अधिक ग्राम पंचायत में नहीं हो सकते हैं। जिला पंचायत के लिए जनसंख्या 50,000 होना चाहिए। जिला पंचायत में जो सदस्य होते हैं वह 10 से 35, यानी 10 से 35 वार्ड हो सकते हैं। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 35, यानी न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसा कि पहले बता चुके, ग्राम पंचायत में 10 से 20,
जनपद पंचायत में 10 से 25 और जिला पंचायत में 10 से 35। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जिला पंचायत के पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? तो जिला पंचायत के जो पदेन सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विधायक और सांसद, ये जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे, और यदि आपको पसंद आए हों तो लाइक करें, और ना आए हों तो डिसलाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी प्रकार तैयारी के लिए आपको और क्वेश्चन डालते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।